हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 35 साइज का बैकनेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज के हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा डीप नेक का। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमें टोटल लंबाई लेनी है यहाँ पर, जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे और ये जो ऊपर की तरफ लाइन बनाई है यहाँ पर हमने शोल्डर का मार्किंग करना है। तो डीप नेक में 35 साइज में शोल्डर लेंगे 5.25 इंच, यहाँ से भी 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, 35 का चौथा भाग यहाँ पर होगा 0.5 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। चेस्ट की लाइन बना लेने के बाद हमने 0.5 इंच बाहर की तरफ करते हुए मार्किंग करनी है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल का शेप दीजिएगा। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर के प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है और अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को रख लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है। साइड से थोड़ा कपड़ा बढ़ाते हुए कटिंग करेंगे। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। तो गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.25 इंच की और गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 11 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ रखी है मैंने 3.5 इंच और इस तरीके से पहले हमने एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। इसके बाद हमने पंचकोनी गला शेप देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से हम शेप दे देंगे। ये देखिए गले का शेप मैंने बना लिया है और अब हम करेंगे इसे कट। कट करने से पहले देखिए ऊपर की तरफ इसमें एक डिज़ाइन बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर यहाँ पर शेप दे देंगे डिज़ाइन का और इसके बाद इसे कट कर लेंगे। ये पट्टियाँ कट करके निकाल देंगे ताकि हमें इसे दूसरा पैटर्न कटिंग करें। बीच में से इसे कट कर लेना है। पट्टियों को हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। कटिंग हो गई है, अब हमने इसे पेपर पेस्टिंग के ऊपर कट करना है। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप कपड़े के साथ भी इसे पलट सकते हैं। गले को एज इट इज मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग बढ़ाते हुए हमने कट करना है और अस्तर वाले कपड़े के ऊपर हमने इसे इसके ऊपर रखते हुए अटैच कर देना है। पेपर पेस्टिंग एक और लेना है हमें डिज़ाइन कटिंग करने के लिए। तो ये देखिए पेपर पेस्टिंग को इस डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे ताकि दोनों पैटर्न साथ में ही कटिंग हो जाए। इसके बाद इसे पिन कर लेंगे और इस तरीके से हमें मार्किंग करना है। दोनों तरफ से एक एक पैर का मार्जिन बढ़ाते हुए और ऊपर और नीचे से 0.5-0.5 इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए इसे कट कर लेंगे। अच्छे से शेप देते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसे हमने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हमने पेपर पेस्टिंग को कपड़े के साथ अटैच करना है। तो पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रख लेंगे और पिन लगाएंगे। इसके बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हमने दूसरी तरफ से भी लगा देनी है ताकि पेपर पेस्टिंग अच्छे से अटैच हो जाए कपड़े के साथ। ये देखिए पेपर पेस्टिंग को मैंने अच्छे से यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। इसके बाद हमने इस पर सिलाई लगानी है। तो नीचे मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधा, इसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद हमने एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। सिलाई के पास तक हमें कपड़े को कटिंग कर लेना है।
अब पूरे ही गले के पैटर्न पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो कॉर्नर्स थे वहाँ पर कट अच्छे से लगाएंगे। मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं। इसके बाद हम एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगाएंगे और नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाले कपड़े की तरफ ही रखेंगे। ये वाली सिलाई लगाने से गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और अच्छे से फैब्रिक पलट के सीधा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है और अब इस पैटर्न को पलट के हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर फिनिशिंग के साथ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा लेने के बाद हम एक बार हाथ से फिनिशिंग देंगे और बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा गले का। अब इसका डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये जो पैटर्न हमने बनाया है इसे हम अस्तर के ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। दो अस्तर के पीस लिए हैं और हमें इसे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब ये वाला पैटर्न भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने दोनों पैटर्न को अटैच कर दिया है पेपर पेस्टिंग के साथ। अब मेन फैब्रिक के साथ इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रख लेना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। पेपर पेस्टिंग वाला भाग ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और छोटे छोटे कट हमने यहाँ पर लगा लेने हैं। कट लगा लेने के बाद अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे पलट के सीधा कर लेना है। कोई भी आप एक चीज़ ले सकते हैं जिससे कि इसे पलट के सीधा कर लें। ये देखिए फैब्रिक के जो मेन फैब्रिक है वहाँ से हम इसे पलटेंगे और इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अच्छे से हाथों के साथ इसे फिनिशिंग दे देंगे। दोनों पैटर्न मैंने तैयार कर लिए हैं। अब आप इसे ब्लाउज के साथ अटैच कर लें। यहाँ पर पिन लगा लें दोनों तरफ से और इसे सिलाई लगा लें। जैसे भी आप इसे सेट करना चाहते हैं ऊपर या नीचे से वैसे आप कर सकते हैं पिन लगाकर, उसके बाद ही सिलाई लगाएं। तो गले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है। तो दोनों तरफ से मैंने पैटर्न को अटैच कर दिया है। इसके सेंटर में भी एक डिज़ाइन बनेगा। एक पट्टी ली है मैंने जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। 2 से 2.5 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी लेनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। पलट के सीधा कर लेंगे पट्टी को। तो देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी को पलट के सीधा कर लिया है। हाथ से फिनिशिंग दे देंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमने रखकर पैटर्न को कट कर लेना है जितना हमें ज़रूरत है चौड़ाई में। और सेंटर से इसे स्टिच कर लेंगे, एक मोती अटैच कर लेंगे। मोती या बटन आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ पर मोती अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास फैंसी बटन होते हैं तो आप बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस पैटर्न को बो का लुक दे देना है, मोती को अच्छे से स्टिच कर देना है। और इसी तरीके से दो पैटर्न और तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने 3 पैटर्न यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और इन्हें इस तरीके से लगा लेना है। अच्छे से हाथों से बराबर से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इन्हें भी आपको जितना ऊपर नीचे करते हुए लगाना है उसी हिसाब से आप लगाकर इसे सिलाई लगा लें। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अच्छे से हमने इसे फिनिशिंग दे देनी है, धागे वगैरह कट कर लेने हैं। तो इस पैटर्न को अगर आप सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर इस पूरे पैटर्न पे आप लेस अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक पे और नीचे कमर पर लेस अटैच करूँगी। इससे पहले हमने यहाँ पर प्लेट्स लगा देनी है। दोनों ही तरफ मैंने प्लेट्स लगा दी हैं 4 इंच की लंबाई में। अब लगानी है हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी।
कमर पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की, और इसे इस तरीके से हमने नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच करना है। अब इसे अंदर की तरफ कर लेंगे फोल्ड और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ये पैटर्न हमारा तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर लेस। गले के यहाँ से हमने लेस को इस तरीके से रखना है और जहाँ पर भी हम घुमाएंगे लेस को वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स डाल देनी है ताकि गले का जो शेप है वो अच्छे से दिखे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। नीचे कमर पर भी लेस को अटैच करेंगे। लेस लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर लटकन तैयार कर रही हूँ डोरी के साथ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फैब्रिक लटकन बना ली है। दूसरा वाला लटकन भी मैंने तैयार कर लिया है और इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ब्लाउज के साथ इसे अटैच कर देंगे ऊपर से 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए। दूसरी तरफ से भी डोरी को लगा लेंगे और ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।